So, ये तो हो गई स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन की बात जो आपको स्टूडेंट कोलिग में देना पड़ता है। आसिफ यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे ऑडियंस को ये बताओ, आपने जो स्टूडेंट कोलिग की जो फाइनल एग्जाम थी जिसके लिए सब मेहनत कर रहे थे तुम, उसमें कितना आया था? जर्मन सिस्टम में मेरा वन आया था। वन आया था तो मतलब पूरे नंबर जिसको आप बोल सकते हैं। आउट ऑफ आउट। ओके, तो जर्मन में जर्मन जीपीए जिसको कहते हैं, जर्मन जीपीए रेंज करती है 1 से लेके 5 के स्केल के बीच में। 1 से लेके 4 तक, मतलब 4 मतलब आप जस्ट पास हो, 5 मतलब फेल। ठीक है, तो वो शुरू होता है 1 इज द हाईएस्ट यू कैन अचीव, फिर 1.3, 1.7, फिर 2, 2.3, 2.7, फिर 3, 3.3, 3.7, फिर 4। 4 के उस साइड तो मतलब आप बाहर। ठीक है, तो भाई के 1 पॉइंटर आए आउट ऑफ आउट, वाव यार। और फिर आपका 12th में कितना आया था आपने बताया? 88। सो 88 वहां से हो गए 12th के, 1.0 यहां से हो गए एफएसपी के, तो इसका एवरेज निकाला गया। हाँ, यहाँ पे आप जब अप्लाई करते हैं तो आपकी सिर्फ 12th के परसेंटेज नहीं देखते, बोलो 10 और 12 मिलाकर, और आपने कौन कौन सब्जेक्ट लिए ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद वो लोग जर्मन जीपीए जो आपने बोला उसमें कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो उसमें कन्वर्ट करने के बाद मेरे आए थे 1.5 यानी 1.5। ओके, और यहाँ पे थे 1, तो दोनों का एवरेज लेके 1.25, 1.3 कुछ आया था मेरा। यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में ये भी देखा है, अभी मैं खुद रिसर्च कर रहा था, मेडिसिन पढ़ने के लिए आपको टेस्ट AS, ये एक एग्ज़ाम है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक, वो आपको देनी पड़ती है, वो तुमने दी थी? हाँ, ये भी मैंने दी थी। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कंपलसरी हो गया है कि जो अप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन के लिए उनको ये देना ही पड़ेगा, लेकिन सब यूनिवर्सिटीज़ में ये केस नहीं है। टेस्ट आज जैसे आपने बोला एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें आपके IQ को टेस्ट किया जाता है, और उसमें एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। एक है जिसमें आपके सब सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब। आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स आ जाता है, राइट, और मेडिसिन के लिए कर रहे हैं तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आ जाता है। और एक सेकंड पार्ट होता है जो IQ टेस्ट जो मैंने बोला, और इसमें आपके जिस हिसाब से मार्क्स आते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपके जो पहले के ग्रुप जो मार्क्स है क्लास 12 और FSP लेकर वो बूस्ट हो जाता है। ओके, तो मतलब उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक एग्जांपल बताओ, जैसे समझिए आपके 1.2 आया, 1.2 आपके जर्मन सिस्टम, 12th का और वो 13th ईयर फाउंडेशन का मिला के मान लेते हैं हम, हमारा कितना आया? 1.2 आया, और मैंने टेस्ट AS भी दिया, और उसमें कितना आया? उससे आप मैक्सिमम अपना 0.8 यानी कि आप बेटर कर सकते हैं। समझिए आपके 10, 12 और FSP के बाद अपने 1.8 GPA में है, जर्मन GPA, और आपने टेस्ट आस में पूरे 100 में 100 लिया है, तो आपका 0.8 बेटर होके तो आपका GPA हो जाएगा 1। हाँ, ओके, तो वो जो आपका ग्रेड्स है उससे वो माइनस करके आपका ग्रेड बूस्ट हो जाएगा। राइट राइट, तो बेसिकली कहना यही है कि टेस्ट AS देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, टेस्ट AS दोगे तो आपके स्कोर्स इम्प्रूव हो जाएंगे, इसलिए देना जरूरी है। कूल, टेस्ट AS में क्या क्या सब्जेक्ट आपने बताया? जो देख रहे हैं वो सब मेडिसिन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको देना पड़ता है फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और साथ में आपका IQ का एक पार्ट होता है। 2 पार्ट्स में से। राइट राइट, और ये जर्मन में होता है इंग्लिश में होता है? ये एक पॉइंट, गुड पॉइंट है, क्योंकि हम लोग की स्टडीज, मेडिसिन स्टडीज जर्मन में है, इसलिए हम लोग को टेस्ट आज भी जर्मन में देना पड़ेगा। ओके, लेकिन जो लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे वो लोग इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए ये जर्मन में। राइट राइट राइट, मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जब आप इस देश में घुस रहे हो एंड बाय द टाइम यू गेट इनटू योर बैचलर्स, लाइक रियली बैचलर्स शुरू होने तक बहुत चीजें करनी पड़ रही है, राइट? लैंग्वेज भी सीख रहे हो आप, अफनामा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, स्टूडेंट को लिख कर रहे हो, FSP दे रहे हो, कैसे मैनेज किया यार? ये मैनेज करना काफी टफ है, इसीलिए मतलब जो आ रहे हैं वो लोग मतलब पहले से माइंड सेट ऐसा बना के रखना पड़ेगा कि उनको काफी सारी चीजें साथ साथ करनी पड़ेगी। राइट, तो उनको अगर उनके पास मन में पहले से प्लान है कि इस टाइम में मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो मैनेज करना पॉसिबल है। राइट 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 यार, आसिफ मैंने, मेरा जो घूमना हुआ पूरे जर्मनी में, ये बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हुआ मेडिसिन कर रहे हैं जो, उनके स्कोर्स एकदम फाड़ होते हैं, मतलब एटलीस्ट 85+ 90+ ही मैंने देखा है। मतलब तुम्हारा ग्रेड्स को लेके तुम्हारा क्या सोचना है, बिकॉज तुम अब सिस्टम में हो, तुम ऑलमोस्ट हाफ वे यूर थ्रू विथ योर डॉक्टरी हियर,
स्कोर का क्या हिसाब है यहाँ पर? ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि स्कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके एडमिशन के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई एंट्रेंस फॉर आपका मेडिसिन स्टडी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता. एडमिशन के लिए सिर्फ आपके स्कोर्स मैटर कर रहे हैं. आप जो भी FSP कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो अपने स्कोर्स को बेटर करने के लिए कर रहे हो, टेस्ट जो भी कर रहे हो. तो मेन रोल है आपका एडमिशन में सिर्फ स्कोर्स का. तो अगर आपके स्कोर्स अच्छे नहीं है तो और यहाँ पे कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने ऑफनामिक प्रूफिंग के लिए बोला स्टूडेंट को लिख के कि मैंने दिए थे, वहाँ पे 300-400 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट थे और सिर्फ 20 सीट्स. और मेडिकल स्टडीज के लिए इससे भी कम रहते हैं. राइट, एग्जैक्टली. कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 सीट 3 सीट छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से रहते फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. तो आपके जब मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, 85-90 उस रेंज में अगर नहीं होंगे, तो चांसेस आपके कम है. ये 12th की बात कर रहे हो तुम? ओवरऑल बोल रहा हूँ. ओके, कि अगर उस हिसाब में नहीं है, उस लेवल में नहीं है, अगर 85 प्लस नहीं है, तो आपके चांसेस बहुत कम है. राइट. वाओ, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि यार मेरे को आए 88%, मेरे को मेडिसिन में मिल जाएगा क्या, मेरे को MBBS में मिल जाएगा क्या, उनको क्या कहना है? जैसे आपने पूरा वीडियो देखा, ये इतना सिंपल नहीं है. इसको करने के लिए इतने सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं. तो अगर आप ये सब मैनेज कर पाएंगे तो आपका एडमिशन पॉसिबल है. चांसेस 100% नहीं है कि मिल जाएगा, लेकिन चांसेस है. राइट. क्योंकि उसके लिए आपको SSP देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा. अगर वो सब भी आप 88% के साथ अच्छे से दे पाए, अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए, तो चांसेस है. ओके. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस देश में सिर्फ 5% है ना, 5% कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. हाँ, कोटा. तो जो 95% है वो सीट सिर्फ जर्मन्स और यूरोपियंस के लिए है. और जो 5% बचे हुए हैं वहां पर नॉन यूरोपियंस को एंटरटेन करा जाता है कि आओ हम आपको सीट्स दे रहे हैं. तो अपने 5% में ये भी भाई आते हैं जिसने सीट निकाला है यहाँ पर. इस देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और वो बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल है शैरिटी, उसमें मैं ऐसे दूर से देखता था कि वहाँ पर डॉक्टर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं.